दोस्तों, वैसे तो हाल में बॉलीवुड में कई ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हुए जिनका नाम तो बहुत हुआ मगर उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल भरी होती थी। जी दोस्तों, मैं अंकित बादल ये भी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। आज हम आपको ऐसी ही एक अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम तो बहुत हुआ मगर जिंदगी छीन ली गई, यानी उनकी हत्या कर दी गई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस वीरा सुंदर सिंह की, जिन्हें लोग प्रिया राजवंश के नाम से जानते हैं। प्रिया राजवंश का जन्म साल 1937 में शिमला में हुआ था। शिमला में ही प्रिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी की थी। बचपन से ही कला में रुचि रखने वाली प्रिया ने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा लिया। प्रिया के पिता वन विभाग में कंजर्वेटर रहे थे और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन भेजा गया था। प्रिया राजवंश भी अपने पिता के साथ लंदन पहुंच गईं और फेमस इंस्टीट्यूट रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन भी ले लिया। प्रिया राजवंश नाटकों में तो काम किया ही करती थी और इसी वजह से मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद ने अपने दोस्त के घर प्रिया राजवंश की उसी नाटक के दौरान ली हुई एक फ़ोटो को देखा और फोटो को देखते ही उन्हें प्रिया पसंद भी आ गईं। निर्माता निर्देशक रहे चेतन आनंद उस समय अपनी फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे और प्रिया की तस्वीर को देखते ही उन्हें यह लगा जैसे उनकी यह तलाश खत्म हो गई हो। चेतन ने तुरंत प्रिया से संपर्क किया और उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। जिस समय चेतन आनंद की मुलाकात प्रिया राजवंश से हुई उस समय वो अपनी पत्नी उमा और बच्चों से अलग हो चुके थे और यही वजह रही कि फिल्म की शूटिंग के दौरान चेतन आनंद और प्रिया राजवंश के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश से कभी शादी नहीं की मगर वो प्रिया को इतना चाहते थे कि उनकी वजह से अपने भाइयों से भी उनका झगड़ा हो गया। चेतन आनंद ने अपनी पहली शादी नहीं तोड़ी थी और इसी वजह से उन्होंने प्रिया के लिए एक अलग से बंगला बनवाया और कई सालों तक उनके साथ भी रहे और इन दोनों की प्रेम कहानी और ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। खुशहाल जिंदगी में मुश्किलें तब बढ़ गईं जब साल 1997 में चेतन आनंद की मृत्यु हो गई। चेतन आनंद की वसीयत के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी का आधे से ज़्यादा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम था और इसी कारण चेतन के दोनों बेटों का प्रिया राजवंश पर काफ़ी गुस्सा भी था। इसी के चलते प्रिया के बंगले में काम करने वाली उनकी नौकरानी माला चौधरी और एक कर्मचारी अशोक स्वामी के साथ मिलकर प्रिया की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। 27 मार्च सन 2000 को प्रिया राजवंश अपने बंगले पर मृत पाई गईं। यह खबर आग की तरह फैल गई कि प्रिया ने चेतन आनंद की मौत से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। मगर बाद में जब पुलिस द्वारा इस केस की छानबीन की गई तो पता चला कि प्रिया की हत्या की गई है और इस हत्या में चेतन आनंद के दोनों बेटों और नौकरों का हाथ है। मुंबई की एक अदालत ने 31 जुलाई 2002 को चेतन आनंद और विवेक आनंद को उनके सहयोगियों माला चौधरी और अशोक स्वामी के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई। मगर साल 2011 में इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ चारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद से अपना प्रेम कुछ इस तरह जाहिर किया कि उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर में केवल चेतन आनंद के साथ ही फिल्में की और किसी निर्माता निर्देशक के साथ फिल्में नहीं की। हकीकत के बाद हीर राजा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरों में ही उन्होंने काम किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी विचार या प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके हम तक जरूर पहुँचाएँ। जल्दी मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में कोई और नई जानकारी, नई कहानी या फिर कोई नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।